से जो है गोल्ड ले रहा है इंडिया, उसकी क्या वजह है? आपके यहाँ तो वह पहले ही कहा जाता है कि गोल्ड काफी है, पहना भी बहुत जाता है, बहुत सी शॉप्स हैं, इवन इंडियन शॉप्स हैं वो यूएई में है, दुबई वगैरह जब मैं जाती हूँ तो वहां पे बहुत सारी ऐसी ऐसी हैं मॉल्स के अंदर जो इंडियन शॉप्स हैं, कहना चाहिए ज्वेलरी की। तो फिर आपको क्या लगता है कि जब इतना ज्यादा इंडियन गोल्ड और उसके डिजाइन ज्वेलरी के गल्फ में जा रहे हैं, तो फिर गल्फ से आप लोग गोल्ड क्यों खरीद रहे हैं? देखिए आदित्य जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये काफी लोगों के मन में ये शंका है कि गोल्ड क्यों खरीद रहे, और गोल्ड छोटा मोटा नहीं खरीद रहे। 2 लाख किलो सोना, 2 लाख केजीज ऑफ गोल्ड, 200 टन कहते हैं, क्विंटल कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज वाला मेजर। 2 लाख किलो सोना बहुत बड़ा अमाउंट होता है खरीदने का, ये अचानक इंडिया क्यों खरीद रहा है? देखिए इसमें हमने बात कर चुके हैं, थोड़ा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा, 5-1 मिनट लगेंगे समझाने में, बड़ा सवाल है तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज जी सिंपल जी एंड एज नहीं फास्ट आप एज आई कैन, बताइए जी। एज फास्ट एज आई कैन। देखिए अर्जु जी, आपको याद होगा हमने पीछे आपसे बात की थी, हमने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए कर लिया, इसराइल के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट नेगोशिएट हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया। अब यूके के साथ करना था, इट हैज हिट अस फ्रॉम रोड ब्लॉक, क्योंकि वहां के सेक्रेटरी ने कुछ उल्टा सीधा बयान दे दिया इंडियंस को लेकर, तो देखते उसमें क्या होता है। जर्मनी के साथ बातें चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ बातें चल रही है, और आपने पीछे देखो कुछ अरे महीने भर पहले की बात है, मोदी जी ने गिफ्ट स्ट्री का इनॉग्रेशन किया था गुजरात में, और गिफ्ट स्ट्री में मोदी जी ने बोला था इट विल बी द फर्स्ट बुलियन एक्सचेंज ऑफ द इंडिया विल बी होस्टेड इन द गिफ्ट स्ट्री। बुलियन एक्सचेंज होता है जो मेटल्स वेटल्स लेते हो ना, इन्हें कहते हैं बुलियन एक्सचेंज, राइट। अब हो क्या रहा है, देखिए दुनिया में अगर आप देखें, अभी दुनिया में बहुत खतरनाक चीज हो रही है। हमने लास्ट टाइम बात की थी नोपेक ओपेक की, तब मैंने आपको बताया था, देखिए अगर नोपेक जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यूएस लाएगा उसका आपको, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, उसका आपको रिएक्शन मिला जो बाइडेन ने कहा विल पनिश कैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने आज जवाब दिया है कि हम देख लेंगे आपको। तो ये जो रशिया कशी है ये बढ़ती जा रही है, एंड इट माइट रीच अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आएगा, कल को सऊदी कहते हैं भाई हमें डॉलर में काम नहीं करना, हम लोकल करेंसीज में काम करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये भी है, देखिए इसका कंफर्मेशन यूएस ने नहीं किया, बट इसको डिनाई भी नहीं किया कि $60 ट्रिलियन छापे हैं कोविड के दौरान, $60 ट्रिलियन छापे हैं कोविड के दौरान। आप मान लीजिए अगर हमारे पास हमारी 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अगर हम ₹1 ट्रिलियन छापेंगे, राइट, $1 ट्रिलियन के इक्विवेलेंट रुपया छापेंगे, तो इन्फ्लेशन तो आसमान छू जाएगी। अब यूएस क्या करता था, जब वो डॉलर छापता था वो डॉलर को स्क्वीज करता है, डॉलर को स्क्वीज करता, डॉलर के प्राइस बढ़ते, लोकल करेंसीज महंगी महंगी होती जाती, फिर धीरे धीरे डॉलर रिलीज करता है। जो उनके यहाँ का इन्फ्लेशन है, समझिएगा बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनके यहाँ का इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशन वो धीरे धीरे दुनिया पे पास करता है, अपने इन्फ्लेशन ना रख के डॉलर खुद छापता है, फिर रोकता है, फिर धीरे धीरे जब डॉलर की कीमत बढ़ती है अगेंस्ट लोगों, फिर धीरे धीरे रिलीज करता है। तो मेरा इन्फ्लेशन जो है मैं आपके यहाँ ट्रांसफर करता हूँ, यूएस ऐसे चलता। अब ये हमें बहुत पहले दिख गया था कि ये चीजें हो क्या रही है, इसमें स्टोरी चल कहाँ रही है। हमने आरजू जी आज से नहीं, हमने करीब 1-1.5 साल से सोना खरीदना शुरू कर दिया, इवन चाइना भी सोना खरीदा, आपको मैं बता, हमने भी चाइना भी सोना। अगर आप देखिए दुनिया में सबसे बड़ा जो वर्ल्ड रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करीब 8,000 टन का, राइट, 8,000 टन का उनके पास सोना है। हम